हमारा पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी शुरू से इस सवाल में जम्मू कश्मीर का आवाम के साथ है, और हमारा जो संविधान है, हमारा जो जमहूरियत है, हमारा जो सेकुलरिज्म है, हमारा जो नेशनल इंटीग्रेशन है, हमारा जो राष्ट्रीयता है, जो आज़ादी का आंदोलन से बने हुए राष्ट्रीयता है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। मगर एक नकली राष्ट्रीयता के नाम पे आज कश्मीर पर हमला हो रहा है। ये नकली राष्ट्रीयता है। जो लोग आज़ादी का संघर्ष में ब्रिटिश का तालू चटने वाला था, वो आज नेशनल इंटीग्रेशन का बात करता है और वो नेशनलिस्ट बन रहा है, और जो लोग हजारों लोग जेल में गया कुर्बानी दिया, वो हो है राष्ट्रद्रोही हो रहा है। ये इतिहास गवाह है, ये ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। इसलिए ये जो लड़ाई है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इस लड़ाई के लिए पूरा देश में लड़ रहा है, लड़ेंगे, और जब तक ये सरकार का जो झूठ है इसको पर्दाफाश ना करें, जब तक मेजोरिटी जनता को हम एकजुट करके इस जुल्म को हम ख़त्म ना करें, तब तक हमारा लड़ाई जारी रहेगा। हमारा पार्टी इसलिए हमें निरुत्पल ने बताया हमारा पार्टी का स्टैंड, और इस लड़ाई को हम है साथ में, और इस लड़ाई के अंत तक इस लड़ाई में हम रहेंगे कश्मीर के जनता के साथ। हर कदम पे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी रहेगा, और इस लड़ाई को अंत तक। जो मोदी, सिर्फ मैं एक बात बताऊंगा कि आज मोदी अमित शाह का भरोसा क्या है, आज देश का जनता का अज्ञानता, इग्नोरेंस इज देयर कैपिटल। जनता कुछ जानता नहीं। मेजोरिटी ऑफ जनता जो है ना, विज्ञान के बारे में झूठ बोलता है, लोग मान लेता है। इतिहास के बारे में झूठ बोलता है, लोग मान लेता है। सो हमारा आज कश्मीर के बारे में जज साहब ने बताया, ये सब बात ज्यादातर लोग जानते नहीं। अनफॉर्चुनेट है, एडुकेटेड लोग है, मैं हीन होता है ऐसा लोग को शिक्षित बोलते गए, मगर ये लोग मान रहा है। मगर इसके बाद सच्चाई ले जाते, आज इसके हराने का हटाने का एक ही शर्त है, सच्चाई को बात सब पॉलिटिकल पार्टी, सब एनजीओ, सब जनता मिलके हर एक एक जनता को सच्चाई को बताओ। ये सच्चाई है जो बोल रहे हैं मोदी, ये 100% झूठ है। जो बोल रहे हैं अमित शाह, 100% झूठ है। इसका सच्चाई क्या है, बाजू में ये सच्चाई को विकल्प रखेंगे तो जरूर हम इसको हरा सकता है। इसी शब्द के साथ, आपका लड़ाई के साथ हम साथ व्यक्त करते हुए मेरा बात खत्म करता हूँ। और एक सेकुलर तो ताकत के बलबूते पर खड़ा रहने की बात की। हमारा संविधान जो है वो किसी धर्म की ताहित नहीं करता, वो ये कहता है कि हम सभी के हैं, और इसीलिए कश्मीर भी भारत के साथ रहा और रहेगा, क्योंकि भारत का हर नागरिक संविधान के साथ है, और जो संविधान के साथ नहीं रहेगा उनको पार्लियामेंट जल्दी से छोड़ना पड़ेगा, ये बताने के लिए आज की मीटिंग है, इसको आप समझ लीजिए। लड़ाई, शबनम जी ने कहा कि ये 10वीं मीटिंग है, उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये लड़ाई करनी पड़ेगी। शबनम जी, ये लड़ाई हमको बहुत दिनों तक करनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल सिर्फ कश्मीर का नहीं है, पूरे दुनिया में जो एक आंधी चली है, समानता के खिलाफ, धर्मांधता की आंधी चली है, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई उसी का हिस्सा है, इसको समझ लीजिए। आज जिसका निलोत्पल बसु ने जिक्र किया कि आज जो कुछ नुमाइंदे अपने आप को यूरोपियन समुदाय के प्रतिनिधि बताते हैं, लेकिन वो है नहीं किसी पार्टी के नुमाइंदे हैं, वो कश्मीर में गए, अजीब बात है। इस देश के लोगों को कश्मीर में जाने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ती है, या गवर्नमेंट की इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऐसे कश्मीर में दावत दे के लोगों को बुलाती है, और क्या कहें, सम आर मोर इक्वल इन डेमोक्रेसी ऐसा कहा जाता है, इसका एक उदाहरण हमको मिला। हम गवर्नमेंट से यह कहते हैं कि हर नागरिक का हक जो है कश्मीर में आने का और कश्मीर से बाहर आने का है, जो संविधान ने दिया है उसको बरकरार किया जाए, यह मीटिंग उसकी मांग करती है। सभी नुमाइंदों को छोड़ा जाए, ये हमारी मांग है, और ये जब तक मंजूर नहीं होगी हम ये समझते हैं कि हमारी लड़ाई चालू रहेगी। साथियों, ज्यादा बोलने का वक्त नहीं है, लेकिन मैं फिर एक बार बताना चाहता हूं कि इस गवर्नमेंट के खिलाफ जो नारा हमने दिया था 2019 में भी दिया था, जो अभी भी दे रहे हैं, कि इस गवर्नमेंट को हटाना इसलिए नहीं है कि यह कोई और पार्टी की गवर्नमेंट है, इसलिए जरूरी है कि यह गवर्नमेंट हमारे संविधान के उसूलों के खिलाफ चल रही है। यह गवर्नमेंट जो है वो समता के खिलाफ है। यह गवर्नमेंट जो है वो किसी एक मजहब को आगे बढ़ाकर बाकी सबको कुचल देना चाहती है। यह हमारी परंपरा से जुड़ता नहीं है, इसको समझ लीजिए। हमारे गंगा जमुनी तहजीब जिसकी हम तारीफ करते हैं, इसके खिलाफ ये लोग बात करते हैं और काम करते हैं।
और इसीलिए हम उसका विरोध करते हैं। और इसीलिए मेरे जम्मू कश्मीर भाइयों को और बहनों को मैं बताना चाहता हूं कि आज बहुत हमारे बहुत बहन की रक्षा करने का त्यौहार है। आज हिंदुस्तान का पूरा आवाम कश्मीर के पूरे भाइयों को और बहनों को यह बताता है कि हम मिलकर एक दूसरे की रक्षा करेंगे और इस देश की जो संविधान है और जो संविधान बनाया गया है उस उसूलों की रक्षा करेंगे। उसीलिए मीटिंग है। उसीलिए मैं अपने चंद अल्फाज खत्म करने के पहले यही बताना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब मिलकर लड़ेंगे और इस देश को नया कश्मीर नया भारत बनाने में कामयाब होंगे। इतना ही बताते हुए मैं आपसे वैसे में यहाँ बैठकर उन मुद्दों पर या उन विषयों पर बात कर रहे हैं जो हमारे देश को एक रखने के लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। 370 और 35 ए पर आरजेडी का पोजीशन संसदीय प्रोसीडिंग्स में दर्ज है और हमने तब भी कहा था कि जो प्रयास किए जा रहे हैं जिनके लिए किए जा रहे हैं उनकी सहमति उनकी भागीदारी होनी चाहिए और इस पर सवाल हमने खड़ा किया था। बहरहाल उसके बाद जो कश्मीर की हालत बनी, जो जम्मू कश्मीर की हालत बनी और जिस तरह के माहौल में आवाम वहाँ पे गुजर बसर कर रहे हैं उसके खिलाफ में हम लोग आज यह बात कहना चाहते हैं कि जिससे आगे बढ़ के आपने अगर कोई कदम उठाया, संविधान के किसी भाग को हटाकर अगर आगे बढ़ने का प्रयास किया और वैसे स्थिति पर वहाँ पर कायम किया गया कि यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जब जाते हैं तो उनको भी आपने वहाँ पर प्रवेश करने से मना किया, उन चीज़ों को हम लोग बहुत ऊंचे स्वर में उसका विरोध करते हैं और आज की डेट में यह मांग करते हैं सरकार से कि कश्मीर में जो आवाम है उसके मन में जो डर है, जो जिस आधार पे आपने यह सब काम किया है, अब विकास के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए और वहाँ के लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि जो लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है उसके साथ एक भिन्न व्यवहार हो रहा है जो देश के बाकी हिस्सों में नहीं लेकिन वहाँ पर हो रहा है, इस तरह का विचार इस तरह का उनके मन में ख्याल नहीं आना चाहिए। और जो लोग जिस राष्ट्रवाद की बात कहते हैं उसको तो हम लोग खुले शब्द में कहते हैं कि यह मनमानी राष्ट्रवाद है, घमंडी राष्ट्रवाद है और इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। इस तरह का राष्ट्रवाद न हमारे संविधान में कहीं दर्ज करता है, न यहाँ के लोग कहते हैं या न लोग मानते हैं। आप जिन लोगों के लिए काम करते हैं उन लोगों का सहयोग, उन लोगों की भागीदारी, उन लोगों के विकास का तमाम ख्याल उसमें रखना चाहिए और इन सब चीज़ों पर आपके जो कदम हैं, आपके जो पहल हैं, आपके जो सरकारी प्रयास हैं वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। जिस तरह का हाल वहाँ पर बना कर रखा है कि वहाँ के लोग आपस में भी बात नहीं कर सकते, जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं जो उनसे बात नहीं कर सकते, जो देश के अन्य हिस्सों से चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे बात नहीं कर सकते, इस तरह के माहौल में वहाँ के लोग जिस तरह के हालात में रह रहे हैं उसके लिए जिम्मेवार इस सरकार की हम घोर निंदा करते हैं और तुरंत अविलंब इन चीज़ों का को दरकिनार करके विकास जो भी नैरेटिव पे आप देश को बांटने और देश के राजनीति को प्रभावित करने का कोशिश कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों के लिए आप किए हैं उनकी भागीदारी, उनसे पूछ उनके उनकी सहयोग और उनके विकास के लिए कदम लोगों को दिखना चाहिए, वहाँ पर नॉर्मलसी बहाल होना चाहिए और हर तरह के वह प्रयास किए जाना चाहिए सरकार के द्वारा जिसके आधार पर वहाँ के जमहूरियत कश्मीरियत को बचाया जा सके, लोकतंत्र को बचा सके। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आरजेडी पहले भी खड़ी रही है, आज भी खड़ी है और इस तरह के प्रयास में हर जगह और हर मुकाम के आपके साथ खड़ी मिलेगी। यह हमारे पार्टी के तरफ से भी निर्देश है और उनका यह उनकी राजनीति में भी दिखती है, उनके राजनीति आचरण और कदम में भी दिखती है। इस बात को मैं दोहराते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।